कि आज हम मिक्स वेज बनाने जा रहे हैं। मिक्स वेज तो सभी बनाते होंगे, मगर मैं कैसे मिक्स वेज बनाती हूँ, इसमें बहुत ही ज़्यादा स्वाद आता है, आप लोग देखिएगा। ये देखिएगा, इस तरीके से मैंने एक चम्मच सरसों का तेल लिया है, ये इसके अंदर मैंने अदरक घिस के डाल दिया है, और आधी चम्मच मैंने इसके अंदर ये जीरा डाल दिया है। बस अब मैं इसके अंदर कुछ भी चीज़ें नहीं डालूँगी, और सीधा ही मैं इसके अंदर सब्जियाँ जो मैंने काट के रखी हैं वो डाल दूँगी। ये देखिएगा, ये मैंने गाजर और आलू, गोभी, गोभी के फूल को ज़्यादा छोटा मत करिए, इतने साइज़ के ही रखिएगा। गाजर को मैंने इस तरीके से काट लिया, आलू को भी काट लिया। आलू को मैंने सिर्फ धोया है, नए आलू है, इनको छीलना नहीं है, तभी इन सब्जी का स्वाद बहुत अच्छा बढ़ेगा। देखिए और कुरकुरा बनाएगा, आलू को छीलिए बिल्कुल नहीं, सिर्फ साफ करके धो लीजिए और काट लीजिए। नमक डालिए अकॉर्डिंग टू टेस्ट, अकॉर्डिंग टू टेस्ट लाल मिर्च डालिएगा, हल्दी पाउडर इस मिर्च में अच्छे से बिल्कुल नहीं डालेगा। यहाँ मैंने मटर भी रख दिए हैं, मगर जब सब्जी हमारी अच्छी तरह से भुन जाएगी तभी हम इसके अंदर मटर ऐड करेंगे, यही इसकी खास चीज़ है। अगर पहले से आप मटर ऐड कर देंगे इसके अंदर, मटर एकदम से मैशी हो जाएंगी और उनका स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। देखिएगा इतनी अच्छी सी ये भुन गई है, अभी ये पकी नहीं है लेकिन ये अच्छी तरीके से भुन गई है, और अब इसके अंदर हम मटर ऐड करेंगे। देखिएगा इस तरीके से ये हमारी बिल्कुल धीमी आँच पे भुन रही है। मटर साथ में ऐड मत करिएगा सब्जियों के, मटर जब सब्जी अच्छी तरीके से भुन जाए तभी ऐड करिएगा, ताकि मटर का स्वाद भी अच्छा रहेगा और उसके अंदर जो मैश हो जाती है वो नहीं होगी। और हल्दी बिल्कुल नहीं डालिएगा, हल्दी से सब्जियों का कलर बदल जाता है और स्वाद भी मिक्स वेज का अच्छा नहीं लगता है। ये देखिएगा कितनी अच्छी सी मिक्स वेज बन के तैयार हो गई है। इसके अंदर धनिया पत्ती कुछ भी नहीं डालना है, खाली आप थोड़ी सी ऊपर से काली मिर्च इसके ऊपर डाल दीजिएगा। देखिएगा इतनी स्वाद वाली हमारी मिक्स वेज फटाफट से बन के तैयार हो गई है। आप लोग भी इसे खाइए पूरी पराठे के साथ, और आप ब्रेड भी सेक के इसको खा सकते हैं इसके साथ, बहुत ही आनंद मिलेगा आपको खाने का। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब